तो चलिए लेट्स बिगिन विद अ केक रेसिपी। सबसे पहले 8 इंच का केक टिन लिया है मैंने, ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रख दिया है साइड पे, और ये है मीडियम साइज कप और मीडियम साइज चम्मच। इसके हिसाब से चलेंगे सारे केक की मेजरमेंट्स। और अब हम डीप बोल लेंगे, इसमें बनाएंगे हम केक का बैटर। अब हमने लिया है 1/4 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसको ले लेना है और डाल लेना है बोल के अंदर। और साथ में ही लेंगे हम 1 कप पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर, और 1 कप लेना है दही। थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे इसको मिक्स। और अब हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा, चीनी को बहुत अच्छे से मिलाना, जो चीनी का पाउडर है जरा सा भी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में रह गया तो समझिए केक ख़राब होने की शुरुआत हो चुकी है। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाना चाहिए बिल्कुल। इन तीनों का चीनी का क्रस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्रिस्टल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो जब तीनों मिक्स हो जाएं तो उसमें डाला मैंने 1.5 कप ऑफ मैदा, यानी कि 1.5 कप मैदे का बन रहा है केक। और साथ में डाल देना 1/2 चम्मच मीठा सोडा और 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन तीनों को हम अच्छे से छान लेंगे और साथ में ही कर लेंगे सॉफ्ट हैंड्स के साथ मिक्स। मिक्स करते हुए आप देखिएगा, अगर ये लग रहा है आपको थोड़ा सा थिक यानी थोड़ा सख्त लग रहा है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं जो हमने साइड पर रखा है। बस इसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड्स के साथ मिक्स करना, इस टाइम पर आप ब्लेंडर इसमें नहीं चलाएंगे। तो साथ में ही डालने वाली हूँ 1 चम्मच में वेनिला एसेंस, और मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है बैटर तो मैंने थोड़ा सा दही इसमें और डाल लिया है। इसको अच्छे से करते रहना है मिक्स, ये अवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होता है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर के साथ, तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है वाइट विनेगर। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, साथ में ही कर दिया केक टिन में ट्रांसफ़र, और ये जाने वाला है अवन में 180 डिग्री पे फॉर 40 मिनट्स। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से टैप करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बेकिंग। अवन में रखने के बाद अब हम बनाने वाले यमी कैरमल सॉस विच विल ऐड 5 स्टार्स टू द फ्लेवर ऑफ द केक। उसके लिए लिया है हमने कढ़ाई, उसको गैस पे रखने के बाद उसमें डाला है हमने 1 कप चीनी का। चीनी जैसे ही कैरमलाइज होने लगे यानी कि थोड़ी लिक्विड फॉर्म लेने लगे, अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो उसमें डाला है हमने 1 बड़ा चम्मच मक्खन का, और साथ में डाला है 1 बड़ा चम्मच वेनिला एसेंस का। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अरोमा हो जाएगी आपके किचन में। अब सॉस आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और इसको थोड़ा सा अच्छे से हिलाएंगे हम। और अब हम डालने वाले हैं इसमें दूध। दूध अच्छे से रिएक्ट करेगा, थोड़े से बबल्स भी आएंगे ऊपर से। दूध आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पोर्शन चाहिए सॉस का। और साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर से ये सॉस जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसको हम केक पे अरेंज करने वक्त हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो सॉस कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसको रख देंगे हम साइड पे, ये बिल्कुल रेडी है हमारी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 3rd स्टेप की तरफ। ये है व्हिपिंग क्रीम, गुडरिच की मैंने लिया, आप किसी भी अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं मार्केट से। 150 से 200 के बीच में 1 किलो की व्हिपिंग क्रीम आराम से मिल जाती है, और 1 किलो के बीच में आप 3 से 4 केक आराम से बना सकते हैं। और इसको व्हिप करने से पहले हमने फ्रीजर से निकाल देना है इसको। कुछ मैंने 400 ग्राम क्रीम ले ली है, और इसको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। 10 मिनट पहले मैंने व्हिप करने से 10 मिनट पहले इसको निकाल लिया है फ्रीजर से, ये फ्रीजर में ही स्टोर की जाती है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, अब मैं करने वाली हूँ इसको व्हिप। और इसको व्हिप करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मिक्सी में भी आप व्हिप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो चलिए इसको अच्छे से हम कर लेंगे व्हिप। कुछ 5 से 7 मिनट्स व्हिप करने के बाद ये क्रीम कुछ इस तरह की दिखने लगी है, और देखिए शेक करने के बाद भी ये गिर नहीं रही है, इसका मतलब क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा मैं और व्हिप करूंगी, और बस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसका बेस्ट टेस्ट यही होता है, ये चेक करने का तरीका होता है कि ये व्हिप हो गई है कि नहीं, ये रेडी है कि नहीं, वो यही होता है कि बोल को आप उल्टा करके देखिएगा। अगर क्रीम नहीं गिरी है दैट मीन्स क्रीम इज़ परफेक्टली रेडी। तो देखिए क्रीम बिल्कुल नहीं गिर रही है, आपके सामने मैंने चेक करके बताया, तो क्रीम इज़ रेडी। और उधर से हमारा केक भी बेक हो चुका है। तो देखिए लेट्स असेंबल द केक नाउ। इसको हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा स्क्रेप किया है चाकू के साथ, साइज के साथ, और ईजिली ये निकल चुका है। केक परफेक्टली बेक्ड है, मैंने बिल्कुल इसको उल्टा कर लिया कंटेनर में से, और बस कुछ इस तरह से 2 लेयर्स में निकाल लूँगी। 2 लेयर्स वाला केक मुझे बनाना है, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक बना है, हाइट भी ठीक ठाक ही है। अब मैं इसको व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी, दूसरी लेयर भी काटने के बाद। आप बड़े सॉफ्ट हैंड्स के साथ कीजिएगा, केक मेरा तो बहुत सॉफ्ट बना है, मैं इसको मॉइस्ट नहीं करूंगी आज किसी भी शुगर वाले सिरप के साथ, क्योंकि मेरा केक बिल्कुल ठीक ठाक सॉफ्ट बना है। और व्हिपिंग क्रीम मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी।
क्रीम जो है बिल्कुल परफेक्टली व्हिप्ड है, लाइट एंड फ्लफी, तभी आराम से अरेंज हो रही है लेयर बाय लेयर ऑन द केक। बस जैसे ही ये थोड़ी सी लेयर इसकी नीट एंड क्लीन लगने लगे तो इसके ऊपर से डाल रही हूँ मैं जो कैरमल सॉस हमने बनाई थी। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है और ये मेरी डॉटर की फेवरेट है। आज उसका बर्थडे है तो मैं ये केक बना रही हूँ। इस टाइम बजे हैं सुबह के 5, मुझे ये केक बना के जल्दी से जल्दी फ्रिज में रखना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो पाएगा। तो चलिए, दूसरी लेयर मैंने रख दी है, ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर शुगर सिरप थोड़ा सा, और साथ में ही मैंने इस बार क्या किया, नेक्स्ट लेयर पे मैं व्हिपिंग क्रीम के बीच में कैरमल सॉस ऐसे ऐड कर रही हूँ। दोनों तरीकों से मैंने आपको दिखा दिया है, एक पे मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा के कैरमल सॉस डाला था और इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम के बीच में मिक्स कर रही हूँ। अब ये जो क्रीम का मिक्सचर है मैं डाल रही हूँ सेकेंड लेयर के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी ये वाली लेयर भी। टेस्ट तो सेम ही रहेगा, कैरमल सॉस एंड व्हिपिंग क्रीम ही है, पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा केक बनने वाला है ये। जैसे मैं बिल्कुल आइसिंग कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही करते रहिएगा। तो चलिए, ऊपर फाइनल लेयर दे दी है मैंने। आज जो केक का बॉटम होता है उसको टॉप पे रखिएगा, बड़ी इवन लुक आती है। अब मेरे पास कुछ इस तरह का ये एक टूल है जिससे केक को हम थोड़ा सा नीट लुक देने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में कोई भी विजिटिंग कार्ड या आधार कार्ड जो लैमिनेटेड होता है उसको यूज़ कीजिएगा, उसके साथ जो लुक आती है वो इससे भी ज़्यादा सुंदर आती है। तो ये नाइफ के साथ इसको और नीट कर लेंगे हम। ये वाली जो कोटिंग मैंने की है, फर्स्ट कोटिंग जो केक को कवर करने के लिए, इसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं। फाइनल आइसिंग केक पे करने से पहले क्रम कोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसको करने के बाद हमें 2 घंटे रखना पड़ता है फ्रिज में, तभी हम फाइनल आइसिंग करेंगे। तो चलिए, इसको रख देते हैं फ्रिज में, तब तक हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम में ऐड करते हैं रेड कलर, ताकि इसको बहुत सुंदर बनाया जाए केक को। हमने जो कलरफुल केक बनाना है ये विदाउट फॉन्डेंट बनाना है, और आज जो बर्थडे गर्ल की डिमांड है वो है द केक शुड बी कलरफुल बट विदाउट फॉन्डेंट शीट्स। तो मैंने क्या किया है, जेल कलर लिया है, ऐड किया है क्रीम में और उसको कुछ ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसकी एक और डिमांड है दैट द केक शुड बी विदाउट एनी स्वर्ल्स एंड विदाउट एनी ड्रिपिंग इफेक्ट। शी वांटेड अ केक विद वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लुक। तो चलो ट्राई करते हैं बेस्ट टू बेस्ट केक बर्थडे गर्ल को प्रेजेंट करने की। केक की आइसिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी नाइफ या स्पैटुला की हेल्प से आप उसको अरेंज कर रहे हैं व्हिपिंग क्रीम को, वो बीच बीच में आप टिश्यू के साथ साफ करते रहिएगा और साथ साथ में पानी के साथ उसको गीला करते रहिएगा, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नीट लुक आती रहेगी साथ साथ। देखिए, मैंने टिश्यू से साफ करके थोड़ा सा उसको पानी से गीला कर लिया है नाइफ को, और देखिए कितनी नीट लुक आने लग गई है। ये मैंने एक आधार कार्ड है इसको अच्छे से धो लिया है अच्छे से, और इसके साथ देखिए बहुत और भी ज़्यादा नीट लुक आ जाएगी। तो मैंने पहले डाले हैं गोल्डन बॉल्स इसके ऊपर से, साथ में थोड़ा सा उसको गोल्डन रिबन के साथ टाई कर दिया है और भी ब्यूटीफाई करने के लिए। ये गोल्डन बॉल्स बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे हैं तो मैंने रिमूव कर दिया है। थोड़ी शेकी सी लुक देने के लिए मैंने ब्रश आसपास घुमा दिया है। केक बहुत ही सुंदर बना है, गोल्डन रिबन की बहुत ज़्यादा ग्रेस आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन को थोड़ा सा वेरिएट भी कर सकते हैं। थोड़े ऊपर से चॉको चिप्स डाल दिए। ये दिस इज द फाइनल केक एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड माई डॉटर इज लाइकिंग इट। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।